अगर आपको जानना है कि हमने पिछले कुछ सालों में क्या क्या फेंका है, तो आप कुछ टाइम के लिए सिर्फ बीच पर जाके खड़े रहना। अब सवाल उठता है कि हमने जो फेंका वो बीच तक कैसे पहुंचा? सो देर आर टू थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट. वन इज़ द लिटरिंग हैबिट ऑफ पीपल एंड द अदर इज़ द पुअर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम. सो वेन आई एम रेफरिंग टू पुअर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम देन ऑल्सो देर आर टू थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड. वन इज़ द डायरेक्ट इलीगल डंपिंग ऑफ वेस्ट इन टू द रिवर्स. सो इन सच मैनर इफ़ द एंटायर वेस्ट इज़ बींग डम्प्ड इन टू द रिवर बॉडीज दिस कैन बी वॉश्ड इंटू द ओशन. Similarly, if we have mismanaged waste management system, then the waste collection will be poor. The uncollected waste can be carried by wind or rain or by birds or by animals to the rivers and the drains. Similarly, also if we do not have a proper landfilling system, say for example, we only have dump sites where the waste is not being properly covered using the covering soil. If that is the case, then also the waste from the landfills can be carried by wind, rain, by birds. 1992 में एक कार्गो हांगकांग से अमेरिका जा रही 28,000 रबर डक्स लेकर. अब बीच रास्ते वो उलट गई और उसके साथ ही सारे खिलौने भी. धीरे धीरे ये सारे डक्स पूरे समुंदर में फैलने लगे और इस रूट को स्टडी करने पर एक्सपर्ट्स को ओशन करंट्स का पता चला. इसी तरह सालों से बहुत सारा कचरा हमारे समुंदर में घूम रहा है और जिस तरह हमारे देश में अलग अलग डंपिंग ग्राउंड्स बने हैं, उसी तरह समुंदर में भी अलग अलग गार्बेज पैचेस बने हैं. उन पैचेस में से सबसे पॉपुलर है ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच. इसके अलावा एक साउथ पैसिफिक गार्बेज पैच, नॉर्थ अटलांटिक गार्बेज पैच, साउथ अटलांटिक गार्बेज पैच और इंडियन ओशन गार्बेज पैच भी है. ऊपर से ये गार्बेज पैचेस कुछ इस तरह दिखते हैं. आइसबर्ग की तरह ही ऊपर से दिखने वाले गार्बेज से कई ज़्यादा कचरा समुंदर के अंदर घूम रहा है, कुछ बड़े, कुछ छोटे और कुछ एकदम बारीक टुकड़ों में, जिन्हें समुंदर से अलग करना नामुमकिन है. और जब ऐसे कचरे के बीच समुद्री जीवी रहते हैं, तब वो प्लास्टिक और उनके खाने में फ़र्क नहीं कर पाते हैं और सालों से उनके पेट में, उनके पेट से हमारे पेट में, हमारे पेट से फिर वातावरण में ये माइक्रोप्लास्टिक्स घूम ही रहे हैं. एक सर्वे के हिसाब से नॉर्थ पैसिफिक ओशन का 1% वेस्ट को साफ करने के लिए पूरा एक साल और 67 जहाज लगेंगे. एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन के खोज में ट्रैश बूम्स का भी इन्वेंशन हुआ, लेकिन ट्रैश बूम्स का इफेक्टिवनेस पर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए हैं. इसके बावजूद मुंबई के म्यूनसिपल कमिश्नर के एक स्टेटमेंट के हिसाब से मुंबई ने 1.20 करोड़ रुपीस खर्चा किए ट्रैश बूम्स को कुछ नाले और नदियों में लगाने के लिए. आई थिंक बीएमसी केम अप विद द आइडिया ऑफ यूजिंग ट्रैश बूम्स इन 2018 एंड दे हैड इम्प्लीमेंटेड इट अक्रॉस 9 नालास इन द सिटी. बट इन 2019 अनदर न्यूज केम आउट सेइंग दैट दे वर फोर्स्ड टू रिमूव ऑल दीज ट्रैश बूम्स simply because it was preventing the flow of water during the monsoon. So if that is true, then currently city does not have any system to prevent the flow of trash from the land to the sea, and the pollution level would have gone up in the last 1 year. तो फिलहाल जब तक एक practical solution नहीं निकलता, तब तक दो चीज़ें जो हम कर सकते हैं. एक है कचरे का ठीक तरीके से डिस्पोजल, मतलब सूखे का रिसाइकलिंग और गीले कचरे का कंपोस्टिंग, और दूसरा काम है बीच क्लीनअप. वी हैव स्टार्टेड क्लीनिंग द बीचेस अबाउट 3 years अगो व्हेनेवर आवर चिल्ड्रन वर वेरी स्मॉल एट द टाइम एंड वी यूज्ड टू टेक देम टू द बीच. दैट्स व्हेन दे वर स्टार्टिंग टू वॉक एंड एज चिल्ड्रन दे वर रनिंग अराउंड एंड पिकिंग अप ऑल द ट्रैश दैट दे वर फाइंड. देयर वर मेनी कलरफुल प्लास्टिक आइटम्स, प्लास्टिक बॉटल्स, शूज, स्लीपर्स. And that's not something that the children should be playing with on the beach. Basically, they found the core team is me and my husband and my family. Other than that, we have about another 15 to 20 people who come on a regular basis. And then for larger events, we are inviting different groups and schools and gyms and sports clubs. Basically, because volunteer basis is
we are appealing to people's emotion to give some of their free time to come and help us. So they're doing it on their own vacation whenever they have time. And basically it is the same principle, like you would be cleaning your house. You have to do it constantly and continuously. It doesn't matter if it gets dirty. The same we should do with our environment also. And we have collected in this period of time over 120,000 kgs of plastic and other trash. Most of it is taken by the VVMC, and then some of the plastic bottles we collect in a separate area that we leave for the rec pickers so they can sell it. And a small amount of trash we take it with our home, the cleaner ones that we are disposing of it in our monthly recycling. We find bottles and we find sometimes some tools that we find on the beach that we forget half of the time, and then there's also cement bags that they throw, milk packets, some milk bottles are there, big jackets, backpacks. Other than that, we find lots of clothing items, shoes, alcohol bottles, stationery items from schooling, makeup, cosmetics, syringes, beer bottles, basically everything that's in your house we find on the beach also. आज हम जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगले साल आपको बीच पर दिखाई देगा. प्रॉब्लम यह है कि प्लास्टिक हर चीज़ में फैल चुका है, मतलब हमारे हवा में है, हमारे मिट्टी में है और हमारे पानी में है. और अगर ये तीन चीज़ों में फैल चुका है मतलब हमारे शरीर में भी है. तो अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो कल को एक नई बीमारी जब आ जाएगी तब हम ये नहीं कह पाएंगे कि अरे हमारे साथ क्यों हो रहा है, हमने क्या किया.